यो हेलो फ्रेंड्स, थोड़े ही दिनों पहले वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करने वाला हूँ। वो ये है कि हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को लाखों लोग पेड़ लगाते हैं, लेकिन और हमें बताया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें डराया जाता है। लेकिन मैं एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ कहना चाहता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग एक फ्रॉड है और हमारे करोड़ों लाखों रुपए हमारे जो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करता है उससे गवर्नमेंट एनवायरनमेंट को बहुत पूरी तरह से ख़त्म कर रहा है। गवर्नमेंट कहीं पे भी कोई भी पेड़ लगाते हैं जिससे एनवायरनमेंट ज़्यादा ख़राब हो जाता है। हमें बार बार दिखाया जाता है कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, ये हमारे दिमाग में ड्रिल किया जा रहा है। लेकिन नेचुरली जो ग्रासलैंड होता है जहाँ पे कोई पेड़ नहीं होता, सच्चाई ये है कि ग्रासलैंड ज़्यादा लाइफ सपोर्ट करती है। ग्रासलैंड में ज़्यादा जानवर, ज़्यादा हिरन मिलते हैं, पक्षी भी ज़्यादा तादाद में, बस्टर्ड्स, ईग्रिट्स, ज़्यादा पक्षी ये रहते हैं, ज़्यादा सांप रहते हैं और ज़्यादा लाइफ सपोर्ट करते हैं वहाँ पे। और इस कारण, क्योंकि हिरन रहते हैं, दूसरे बड़े बड़े बर्ड्स, और इस कारण शेर जो दूसरे पशु रहते हैं वो भी ज़्यादा ज़िंदा रह पाते हैं। लेकिन जब इंसान करोड़ों लाखों एक ही दिन पे लाखों पेड़ लगा देता है एक ही जगह पे, समझो 10 एकड़ की ज़मीन पे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल 1999 ये साल था और पुणे में जो पर्वती पहाड़ है उस दिन उधर एक दिन में 1 लाख ग्लिसीरिया के पेड़ लगाए गए। तो ये ग्लिसीरिया एक दूसरे देश से लाया हुआ पेड़ का स्पीशीज़ है और इसने पूरे इंडिया में बहुत जगह पे और महाराष्ट्र में बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज को पूरी तरह नस्तनाबूत कर दिया है। इस पेड़ को जहाँ जहाँ लगाया जाता है ये बता कर कि ये सॉइल इरोजन कर रखता है। नेचुरली ग्रासेस और जो भी नेटिव प्लांट्स है वो अपने आप ही सॉइल इरोजन को रोकते हैं। आप ज़बरदस्ती वहाँ पे ग्लिसीरिया जैसे पेड़ लगा देते हो तो खरगोश, हिरन, पहले जो ये पहाड़ थे यहाँ पे हिरन हुआ करते थे और लेपर्ड्स भी हुआ करते थे, लेकिन ये ग्लिसीरिया की वजह से पूरे हिरन, खरगोश, इनको खाना मिलना बंद हो गया है। और एक ही चीज़ का मोनोकल्चर होता है, यानी एक ग्लिसीरिया के पास दूसरा ग्लिसीरिया, फिर तीसरा ग्लिसीरिया, ऐसे लाखों ग्लिसीरिया लगाए गए और अभी भी इन पेड़ों को वैसे ही इनको रखा जा रहा है। और इससे सॉइल भी ख़राब होता है। ग्लिसीरिया इतना ख़राब पेड़ है कि वो किसी और पेड़ को अपने नीचे पनपने नहीं देता। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक पीपल का पेड़ मैंने छोटा सा ख़रीदा था 10 रुपये का, फिर एक बड़ा गमला, एक्चुअली वो गमला नहीं था, वो बड़ा कचरे का डब्बा था, वो मैंने स्पेशली उसी के लिए ख़रीदा था कि मैं बड़ा पेड़ लगाऊंगा। और उसमें मैंने उस पीपल के पेड़ को लगभग मेरे हाइट के जितना बड़ा कर दिया था, 6 फुट से ज़्यादा बड़ा और एकदम घना पेड़ हो गया था, बहुत ही सुंदर पेड़ था। तो मैंने पुणे में कोंडवा में जो फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे ये ग्लिसीरिया के पेड़ है वहाँ पे एक जगह पे खाली जगह पे लगाया, लेकिन उस खाली जगह के लगभग 10-10 फुट के अंतर पे ग्लिसीरिया के पेड़ थे। तो ये ग्लिसीरिया के पेड़ कुछ ऐसा एक बहुत ही जहरीला किस्म का एक स्प्रे छोड़ते हैं जिससे दूसरे पेड़ जो होते हैं तो पीपल के पेड़ में छेद हो जाते थे और वो कभी बड़ा नहीं हुआ, वो छोटा का छोटा ही रह जाता था, उसके पत्ते अपने आप जल जाते थे और वो कभी बड़ा नहीं हुआ। तो ग्लिसीरिया इस तरह से दूसरे पेड़ को
मार डालता है। तो मैंने ये देखा कि वो पीपल का पेड़ पूरी तरह से हमेशा छोटा हो गया। मैं करीब 2 साल तक उधर रहा, वो पेड़ कभी इतना हाइट से भी ज़्यादा, और हमेशा यानी बुरी हालत में था। मीन्स वो उसके ज़्यादातर पत्ते सड़ जाते थे। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया, मैं हमेशा सोचता था, मैंने थोड़ा थोड़ा ट्राई किया कि वो ग्लेरिसेडिया के पेड़ काटूँ, लेकिन जितने मैं काट सका, क्योंकि मुझे लोगों से भी बचना पड़ता था, तो उतना वो सक्सेस हुआ नहीं। बाद में मैं पुणे छोड़ दिया, उस वो एरिया से मैं नहीं रहता था। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसे ग्लेडिसीडिया जैसे पेड़ ने पूरा फॉरेस्ट बर्बाद कर दिया है। ये जो ग्लेडिसीडिया के जंगल जो आर्टिफिशियल लगाए गए हैं महाराष्ट्र में, इन्होंने कई फ्रॉग स्पीशीज, रेप्टाइल स्पीशीज को पूरा ख़त्म कर दिया। ये जो ग्लेडिसीडिया के प्लांटेशंस, मैं कहूँगा ये फॉरेस्ट नहीं है, ये अननेचुरल ज़बरदस्ती पैसा खा खा के लोगों के करोड़ उस समय 80s में, 70s के एंड में और 90s में, पूरा 90s, एक इवन 2000 तक गवर्नमेंट ज़बरदस्ती ये पेड़ पैसा खा खा के, ज़बरदस्ती जो वेस्टर्न घाट्स में हजारों एकड़, करोड़ों लाखों एकड़ में एक ग्लेडिसीडिया लगाए गए, उसका आज तक हम खामियाजा भुगत रहे कि जहाँ जहाँ ये ग्लेडिसीडिया लगे गए वहाँ से हिरन गायब हो गए। तो जब पहाड़ों से हिरन गायब हो गए तो जो लेपर्ड्स वगैरह दूसरे, उनको नीचे आना पड़ा, तो उनका जो हैबिटेट है वो डिग्रेडेशन हो गया, और ये बहुत ही खतरनाक पेड़ है ग्लेडिसीडिया। तो एनवायरनमेंट डे को मैं चाहता हूँ कि आपके आसपास, आपके घर के आजू बाजू कोई भी ऐसा फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे आप ग्लेडिसीडिया को फेज आउट कीजिए। मैं एक सजेशन देता हूँ कि नेचुरली पेड़ इंसान नहीं लगाता, अपने आप ही बर्ड्स वगैरह के ड्रॉपिंग्स, अपने आप ही नेचर में पेड़ आ जाते हैं, नीम के पेड़ आ जाते हैं, पीपल के पेड़ आ जाते हैं। तो जहाँ पे भी ये ग्लेडिसीडिया प्लांटेशन में, उसमें फेज हाउस करने का प्रोसीजर ऐसा हो सकता है जहाँ भी नीम का पेड़ एक आ गया है, लेकिन वो ग्रो नहीं हो रहा पा रहा, उसके चारों ओर चार चार पाँच पाँच छः छः ग्लेडिसीडिया के पेड़ हैं। तो ऐसी ऐसी जहाँ पे ये फॉरेस्ट लैंड है, वहाँ पे जहाँ ऐसी धीरे धीरे पहले ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, और वो ग्लेडिसीडिया उस नीम के चारों ओर से काट देनी चाहिए पूरी तरह से, और धीरे धीरे दूसरे भी ग्लेडिसीडियाज को कम कम करके वहाँ पे दूसरे पेड़ लगा के इनको फेज आउट करना चाहिए जंगल को। लेकिन जब तक ग्लेडिसीडिया रहेगा वहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत ही बुरी रहेगी, इवन बर्ड्स को ये सपोर्ट नहीं करता। मैंने बहुत सारे वेस्टर्न घाट्स के एरिया में देखे हैं, 100-100 एकड़ के फॉरेस्ट ग्लेडिसीडिया के, फॉरेस्ट नहीं प्लांटेशन सॉरी, और इन प्लांटेशंस में मैं एक भी नेस्ट, एक भी चिड़िया का नेस्ट नहीं देख पाया। उसके अगेंस्ट अगर एक मैंने ग्रासलैंड्स देखी है, ग्रासलैंड में छोटे छोटे पेड़ होते हैं बहुत जगह पे, बहुत देर के बाद या जो भी पेड़ होता है उस, तो उसमें ज़्यादा बर्ड्स रहते हैं। तो मैं यही अपील करूँगा कि अगर आप पेड़ लगा रहे हो तो मोनोकल्चर नहीं लगाइए, एक साथ एक ही तरह के, और देसी प्लांट्स लगाइए जैसे पीपल, नीम। लेकिन आप पीपल भी ऐसी जगह पे नहीं लगा सकते, आप पहाड़ के एकदम टॉप पे जहाँ पे मट्टी भी नहीं है वहाँ पे आप पीपल लगाओगे, या कोई भी बरगद का पेड़ लगाओगे और सोचेंगे वहाँ वो बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं चलता। तो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा उस जगह के नेटिव पहाड़ के ऊपर के कौन से प्लांट्स हैं जो वहाँ पे सब, तो ये बहुत ही प्रॉपरली डन करना चाहिए, और एक साथ एक ही मोनोकल्चर नहीं होना चाहिए, डाइवर्सिटी। वैसा जैसे हम गवर्नमेंट को खुद टेस्ट करना चाहिए कि कौन से प्लांट्स हैं संजय गांधी नेशनल पार्क में या अदर वेस्टर्न घाट्स बायोस्फीयर्स में, वो सिमिलर प्लांट्स दूसरे बायोस्फीयर्स में लगाने चाहिए जहाँ पे भी फॉरेस्ट लैंड है, ना कि, और ये ग्लेडिसीडिया को धीरे धीरे फेज आउट करना चाहिए। सो आई होप दिस वॉज वेरी नाइस अप्रोच। तो इन्वेसिव स्पीशीज ग्लेडिसीडिया ने पूरा महाराष्ट्र और देश के अलग अलग जगहों पे भी फॉरेस्ट का पूरा वाट लगा दिया है।
ग्लिसीडिया के वजह से हिरन, जो हिरन के स्पीशीज़ है वो बहुत सारे लोकली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और उन हिरन के साथ एक दूसरा बर्ड होता था जो पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता था। वो इतना ज़्यादा पाया जाता था कि लोग उसको खाते थे पहले ज़माने में, लेकिन आजकल वो भी एक्सटिंक्ट हो गया बहुत जगह से लोकली। और वो बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वो भी एक्सटिंक्ट हो गया क्योंकि इनडिस्क्रिमिनेट लोग ये प्लांटेशन किया गया ग्लिसीडिया का, साथ में बहुत जगह पे यूकलिप्टस का भी मोनोकल्चर। इसके वजह से ये दोनों स्पीशीज गायब हो गए जंगल में से, हिरन भी गायब हो गए और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। उसके साथ अलग बस्टर्ड्स के और भी 5-6 स्पीशीज हैं जो उतने बड़े नहीं थे लेकिन वो भी बहुत ही अच्छे होते थे। तो फॉरेस्ट का पूरा इकोसिस्टम बर्बाद कर देता है ये मोनोकल्चर। तो आप इस एनवायरनमेंट डे को पेड़ ज़्यादा लगाने की बजाय इस पे फोकस कीजिए कि फॉरेस्ट लैंड पे आप थोड़े ये पेड़ हटाए, ग्लिसीडिया और यूकलिप्टस जैसे पेड़ों को फॉरेस्ट से हटाए। और जो रियल थिंग है इसकी अवेयरनेस बढ़ाए। अगर आप प्लांट भी करते हो फॉरेस्ट एरिया में तो देखिए लैंड उतना है क्या, नेटिव स्पीशीज लगाए, नीम, बरगद, छोटे छोटे बेरीज होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी पेड़ बड़ा होना चाहिए। छोटे पेड़ भी बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ को सस्टेन करते हैं। तो आई होप फ्रूट्स के पेड़, बेर, जामुन, तो ये सब प्लांटेशन होना चाहिए जो इंडिया के नेटिव है, जिससे बंदरों को भी खाना मिल जाए। तो ये ग्लिसीडिया के प्लांटेशन से बंदर भी गायब हो जाते हैं, तो इट्स वेरी बैड। आई होप दिस वॉज अ नाइस टॉक। अगले टॉक में मैं और एक एक इन्वेसिव स्पीशीज के बारे में बात करूँगा। बहुत लोग उसके लिए मेरे को हेट करेंगे, लेकिन मैं अपनी बात आपके सामने रखूँगा। थैंक यू।